प्लेटफॉर्म्स मददगार साबित हो रहे हैं। बड़ी संख्या में छात्र केंद्र सरकार के ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्वयं और दूसरे पोर्टल्स पर घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। स्वयं पोर्टल के जरिए पढ़ाई करने के लिए पहले छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। स्वयं जिसमें कि विभिन्न भाषाओं में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों के लिए पोर्टल है। स्कूली शिक्षा में NCERT ने 12 विषयों में 28 कोर्स आपके लिए बहुत अच्छे मॉड्यूल्स तैयार किए हैं। स्वयं जो पोर्टल है 14,527 फाइलें हैं इसमें, और इसमें 401 संकल्प हैं, 2,779 इसमें दस्तावेज हैं, 1,664 ऑडियो और 6,000 से अधिक वीडियो हैं। 23 मार्च से अब तक 3,00,000 से ज्यादा छात्र स्वयं पोर्टल पर जा चुके हैं, जो इस पोर्टल पर पहले से नामांकन करवा चुके 25,00,000 छात्रों के अलावा हैं। इसके अलावा हर दिन 60,000 से ज्यादा लोग स्वयं प्रभा के 32 DTH चैनल्स पर शिक्षण सामग्रियां देख रहे हैं। ये स्वयं प्रभा पर ऐसे वीडियो हैं इस तरीके के हैं जो कि आप विभिन्न प्रकार के सामग्री उसमें उपलब्ध है, और वो आपको अपनी TV पर दिखाई देगा, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि मैं सोचता हूँ कि स्वयं प्रभा के जो 24 घंटा DTH चैनल पर आपको उपलब्ध है, उसका आप स्वयं प्रभा का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। छात्र घर पर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करने के साथ साथ मानव संसाधन विकास